सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स एक अधिवक्ता है जो अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसकी पत्नी पीछे से उसके फ्लैट पर पहुंच गई और अपने पति को वहीं से निकाल कर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। यह घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के सिविल लाइन नाथ कॉलोनी की है। पुलिस ने पीड़िता की मिली शिकायत के आधार पर पूछताछ कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल महिला का पति बीते कई दिनों से पीलीभीत में तैनात अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर आया करता था, जिसका पीछा करते हुए शुक्रवार को उसकी पत्नी पीलीभीत पहुंची और आरोपी पति को प्रेमिका के घर से निकाल कर सरेराह जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे रचना मिश्रा इतने गुस्से में है कि उसने पति के कपड़े फाड़ दिए, पति को जमीन पर लिटाकर बीमार की तरह पीट रही है। मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़िता रचना मिश्रा का आरोप है कि उसकी शादी आज से 10 वर्ष पहले लखनऊ में अधिवक्ता अमोघ मिश्रा से हुई थी, जो उसे आए दिन मारपीट कर उसे घर से निकाल कर जान से मारने की धमकी देता था। इसके बाद पीड़िता 2 दिन पहले पीलीभीत में अपने मायके माँ के पास आ गई थी। तब उसे पता चला कि पीलीभीत में एपीओ के पद पर तैनात अधिकारी पुष्पा रावत के घर उसका पति रोज ठहरता है और उसके साथ रहने लगा है, तो पीड़िता ने आरोपी पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा और फिर क्या जबरन पिटाई कर दी। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।